रामपुर के शाहबाद में आज समाधान दिवस में पहुंचे डीएम एसपी, कुल 65 शिकायतें मिली जिसमें 5 का निस्तारण मौके पर कर दिया गया, जबकि अन्य बची शिकायतों के संबंधित अधिकारियों को मार्क कर जल्द निस्तारण करने का आदेश जिला अधिकारी अंजनेय कुमार सिंह ने दिया। वहीं प्रधानमंत्री आवास में हो रही धांधली पर जिला अधिकारी ने जहां पात्रा पात्रों की जांच कराई जा रही है, जिसमें लगातार हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और यही नहीं इसमें शिकायतें भी मिली हैं, इस नाम में टीम गठित कर दी है, जल्द टीम को दिशा निर्देश दिए गए हैं, इस मामले में जो भी दिल्ली की जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई तत्काल करें। आज समाधान दिवस में टोटल 65 शिकायतें आई, जिसमें 5 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया और बाकी का निस्तारण भी अगले कुछ दिनों में कर दिया जाएगा, वो संबंधित अधिकारियों को दिया जाएगा। सर, यहाँ की जो विकराल समस्या है इस टाइम पे, वो शहरी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, जिसमें लोगों का कहना है कि पात्रों छोड़ के अब पात्रों का चयन किया गया है। विभिन्न तहसीलों की जो मूल प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने चिन्हित किया हुआ है। शाहबाद थोड़ा पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे ज़्यादा समस्याएं उसी तरीके की होती हैं जो सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को प्रभावित करने वाली होती है, और उस पर हमारा पूरा ध्यान है। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शिकायत है वो पिछले बल्कि कम कई महीने से चल रही है, और उसमें जांच करके जो मामले आए हैं उनको हमने उन पर कार्रवाई भी की है। अभी भी कई सारे मामले हैं, उन पर जाँच हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जहाँ पर भी मामले हैं, वो केवल शाहबाद का मामला नहीं है, प्रत्येक जगह जहाँ पे भी शहर में योजना चल रही है वहाँ पे हर शिकायत को प्राथमिकता पे लिया जा रहा है। बहुत सारी शिकायतों पे कार्रवाई हुई है। जहाँ पे भी पैसे ले मांगने या इन सब चीज़ों की शिकायतें आई हैं वहाँ पे भी हमने जांच करवाई है। बराबर हमारी नज़र है, यहाँ तक कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटने न पावे इस पर भी हमारी नज़र है, वो यहाँ पर भी करेंगे, बल्कि हर एक जगह जहाँ पर भी शहर, क्योंकि ये योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि इस योजना में कि जितने भी पात्र और लाभार्थी एक्चुअल में हैं वो किसी भी दशा में छूटने नहीं चाहिए। जैसा दूसरा जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना चल रही है सर, उसमें सर शहर में इस बार चर्चा है कि जो लोग पहले ऑलरेडी मैरिज थे वो दोबारा उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराएं। इसमें कई सारी जांच के दौरान कई सारे मामले ऐसे पाए गए उनमें कार्रवाई की जा रही है, उनमें हम बिना वेरिफिकेशन के किसी को भी उसका लाभ देते नहीं हैं, और वो चाहे शादी में आ भी जाएँ तो भी उसके बाद उनका भुगतान होता है, वो सत्यापन उपरांत ही होता है। सत्यापन के दौरान कई सारे ऐसे मामले पकड़े गए, उनमें कार्रवाई की जाए।